हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गोपा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक जोड़ा प्लान में कभी कभी जो है देखने के लिए मिलता है कि फूल नहीं आ रहे हैं। बहुत जो है गार्डनर को समस्या ये होता है, तो इसका कारण क्या है इसी टॉपिक पे आज वीडियो है। और फ्रेंड्स, इसको जो है कॉमन भाषा में एक जोड़ा बोलते हैं, बंगाली में इसको रंगन फूल बोलते हैं और हिंदी में इसको रुक्मणी फूल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है एक जो है परमानेंट प्लांट होते हैं और बरसात के सीजन में इसको जो है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होते हैं। अब कभी कभी देखने के लिए मिलता है, एक बार जब एक जोड़ा प्लांट पे जब फ्लावरिंग हो जाते हैं उसके बाद जो है फ्लावरिंग आने में जो है बहुत लेट होते हैं। तो इसका कारण क्या है और इसको हम क्या करें ताकि जो है बहुत जल्द से जल्द फ्लावरिंग हम लोग का प्लांट में आ सके। जितना भी फ्लावर हो चुके हैं, सूख चुके हैं फ्लावर, वो सब फ्लावर को हम लोग जो है कट कर देंगे, सभी सूखे हुए फ्लावर को और सूखे हुए जो है पैंचेस को फ्लावर के बिल्कुल जो है नीचे से। और आप देख सकते हैं जो इसमें से जो है नए नए पत्ते भी निकल के आए हैं और इसी पर से जो है फिर से जो है नए फ्लावर आएंगे। तो इसके लिए जो हम लोग को जो है जल्दी फूल पाने के लिए कुछ जो है खास जो है काम करना है इस प्लांट पर। तो पहले तो मैं ये सभी जो है बन चुके हैं फ्लावर और झड़ चुके हैं सभी ब्रांचेस को फूल को मैं कट कर दूंगी। देखिए बहुत सारा जो है मैं कट कर चुकी हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद पॉट के मिट्टी को जिस पॉट पे जो है मेरा एक जोड़ा प्लांट लगा हुआ है उसमें से मैं बहुत अच्छे से जो है पुरानी मिट्टी को मैं निकाल के रख लूँगी। और उसके बाद इस पर जो है कुछ काम करना है और कुछ फर्टिलाइज़र भी मैं ऐड करूँगी। तो पहले मैं इसको जो है बहुत अच्छे से मैं इसको निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं रूट सिस्टम भी जो है, देखिए बहुत जो है भर गए हैं रूट से मेरा पॉट। देखिए कितना भर चुके थे। तो इतना मैं इस पर से जो है पुरानी मिट्टी वगैरह मैं इस पर से निकाल ली हूँ और इस पर मैं अभी जो है कुछ फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, जिसके जो है कारण जो है फिर से मैं इसी प्लांट से और जल्द से जल्द बहुत अच्छे फ्लावरिंग पा सकूँगी। वो है जो है काउडंग कंपोस्ट, बहुत ही पुरानी वाली और करीब ये जो है 3 साल पुरानी है और जितना पुरानी हो उतना जो है ये काम अच्छे से करते हैं। तो मैं इस पर जो है दे दी हूँ काउडंग कंपोस्ट, इसके बदले में आप पत्ते वाले खाद भी ले सकते हैं, आपके पास वार्नी कंपोस्ट हो तो वो भी ले सकते हैं। इसी तरह से बहुत अच्छे से खाद देने के बाद मैं ऊपर से मैं जो मिट्टी जो निकाल के रखी हूँ वो भी मैं इस पर से दे सकती हूँ और आप अगर चाहे तो नई मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो मैं इसी को जो है फ्रेश करके मैं इस पर डालूँगी। इस पर जो बहुत सारे जो जड़े जो हैं देख सकते हैं, वो सभी जड़ों को मैं निकाल लूँगी और निकाल करके मैं जो फिर से जो यही मिट्टी इस पर ऊपर से दे दूँगी। तो सभी मैं देखिए टूटे टूटे जो जड़े जो देखने के लिए मिलते हैं निकालने के बाद मैं इस पर यही मिट्टी को मैं बहुत अच्छे से मैं प्लांट पर देने वाली हूँ। मेरा जो है देखते हैं, देखिए सभी मिट्टी ऊपर से मैं मिट्टी डाल चुकी हूँ और ऊपर से थोड़ा बहुत और मैं इस पर खाद दे दी हूँ, काउडंग कंपोस्ट ऊपर से मैं ऐड कर दी हूँ।
इसके बाद क्या करना है, बहुत अच्छे से वाटरिंग कर देना है, बहुत अच्छे से वाटरिंग करना है, क्योंकि जो है बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं तो प्लांट को जो रिलैक्सिंग मिले, इसीलिए बहुत अच्छे से जो है वाटरिंग कर देना है। इसके बाद कम से कम 24 घंटे तक इस प्लांट को जो है शेड एरिया में रखना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि जो है अभी इस पे जो है बहुत सारा जो है रूट भी जो है इसका टूट चुके हैं, लेकिन इससे जो है खास कोई इसका डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि इस पर जो है खाद भी पड़ चुकी है, वाटरिंग भी हो चुके हैं, तो 24 घंटा ये अगर शहरी एरिया में रहेगा तो ये जो है बहुत अच्छा जो है फिर से जो है आप लोग को इसी तरह जो है फ्लॉरिंग देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, बात कर लेते हैं अगर सनलाइट का, तो ये जो है इसको जो है फुल सनलाइट पसंद है। आप इसको गार्डन के ऐसे जगह में रखें जहाँ जो है 5-6 घंटे का अच्छा से धूप लगता हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।